अभी तो किसी चीज़ के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, कोई बात तो अभी आई नहीं है। वो देखिए, क्षमा करिए, उसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है, न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं। हम पहले कह चुके आप लोगों को, आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। नहीं तो गलत कर दिया ना, बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई कर दिया, ये सब छोड़िए, कोई मतलब नहीं। सब की सब पूछने से क्या मतलब, उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं नहीं, कृपा कर दी, पूछते पूछते वो सब से कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना, तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा उसमें ना, पता चलेगा, इसलिए होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस हुआ 2020 की, लेकिन सर उसमें बिहार में कुछ देखने में आ रहा है कि कठिनाइयां आ रही हैं, खासतौर से उसमें प्राइमरी एजुकेशन में है कि मदर टंग में होना चाहिए। एक बात जरा जान लीजिए शिक्षा के बारे में, ये बहुत पहले कानून बना सेंटर में का, हम लोग उस समय थे खुद ही एमपी, और उस समय का ये बना हुआ है और उसी के मुताबिक यहाँ पर काम चल रहा है जो बना हुआ है। कोई नया कोई बन जाए तो कोई जो बना हुआ है कानून उसको देख करके उसी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, चाहे पंचायत का हो या नगर निकाय का हो, इनको जो अधिकार दिया हुआ वही चल रहा है। तो इसलिए जब वहाँ से कोई बात आती है तो यहाँ से पूरी बात लिख करके भेज दिया गया है और आपको पूरा विस्तृत रूप में ही बता देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आ जाएगा तो भाई कहना ना पड़ेगा कि भाई कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ करेंगे, अब कौन करता है रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट करने का पावर किसको दिया गया, तो जो अपॉइंटमेंट करने का पावर जिनको दिया गया है तो अपॉइंटमेंट तो ही करेगा, बाकी सब चीज़ों को तो देखा जाता है। तो अगर उस समय से पहले से जो तय हो गया कि तीनों स्तर का जो हम लोगों के यहाँ है पंचायत में या नगर निकाय में और उनके माध्यम से जो हो रहा है, तो अगर कोई नया कानून बन जाए और उसके हिसाब से फिर से राज्य सरकार को के हाथ में ये बात आ जाए तो उस समय बात हो। अरे ये तो सब न्यूज़पेपर में छपाई हुआ है, तो उसने किया तो पार्टी ने तो एक्शन ले ही लिया था। देखिए कुछ चीज़ों के बारे में और उसके बाद भी कहाँ कहाँ बहुत जगह हुआ, आपको यहाँ भी कुछ जगहों पर कहीं कहीं कोई प्रदर्शन हुआ, तो हमने तो उसी दिन सब अपने अधिकारियों को बुलाया कि ज़रा इस बात को देख लीजिए। और बिहार में तो बिल्कुल कोई कहीं इधर से उधर बात नहीं रहती है, लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो अगर कोई बात हो गई है तो पूरी बात को देखिए कि अगर मामला क्या है। तो जो कुछ भी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस पर तो कोई एक्शन हो ही गया, और कहा ही है केस तक, FIR भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कभी कभी आप चाहे जितना भी करिएगा ना, कुछ लोग हमको तो लगता है कि ज़रा कुछ जान बूझ करके आपस में झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ हो, तो जब इस बात को लेकर के एक्शन भी किया, सब कुछ किया, तो फिर इस तरह से क्या करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तो इसके भाई हमको तो आश्चर्य होता है। और अपने बिहार में चूँकि एक ही दिन 10-11 जगह कई जगह पर लोग को जुलूस निकाला, क्या निकाला, वैसे ही शाम में जैसे ही जानकारी हुई और हम रिव्यू कर रहे थे दूसरे मामलों का, और उसी दिन शाम में जब पता चला तो फिर हमने फिर अधिकारियों को बुलाया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक
सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।